इसी के साथ आपको मैं पंच बद्री और पंच प्रयाग के मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। अपनी केटीएम और शान भाई जी के साथ मैं जा रहा हूँ। चतुर्थ प्रयाग रुद्र प्रयाग 126 किलोमीटर बद्रीनाथ है और 100 ये है तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। मैं आपको दो नदियों का संगम दिखाने वाला हूँ और फिर से एक प्रयाग आपको दिखाने वाला हूँ। यह नंद प्रयाग। इसी के साथ हम चमोली पहुंच गए हैं और पहुंचे हैं अभी पहले प्रयाग यानी कि विष्णु प्रयाग में और ये आप विष्णु प्रयाग देख सकते हैं और यही प्रथम प्रयाग है। आप पे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली आज हमारी जो राइड है बहुत लॉन्ग राइड होने वाली है और ये हमारी केटीएम से फर्स्ट इतनी लॉन्ग राइड जो है वो होने वाली है। तो गाइस इसी के साथ आज का जो हमारा सफर है ये होने वाला है श्री बद्रीनाथ धाम की ओर और इसी के साथ मैं आपको उत्तराखंड के जो पंच बद्री और पंच प्रयाग के मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ और ये जो हमारी ट्रिप है ये आपको ये ब्लॉग है ये एपिसोड वाइज दिखेगा। इसी के साथ मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है महाराज रजेश्वर मंदिर से और तो मैं इसी के साथ अपनी केटीएम और शान भाई जी के साथ मैं जा रहा हूँ और आज के हमारे गाइड जो है वो यही हैं क्योंकि इनको पंच बद्री और जो पंच प्रयाग है इनके पूरा पता है। इन्हीं के साथ मैं जाने वाला हूँ। इसी के साथ शान भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? आज की जो यात्रा है वो पंच बद्री की है और उसमें पंच प्रयाग है और बहुत सारे हम आपको दिखाएंगे। ज्योतिष पीठ हो गई क्योंकि चार पीठों में से एक पीठ और चार धामों में से भारत के चार धामों में से और उत्तराखंड के चार धामों में से एक भी श्री बद्रीनाथ जी। साथ भाई मैंने जैकेट उतार के ये पहन दिया है इसलिए मैं माउंट करने वाला हूँ क्योंकि हेलमेट पे बिल्कुल भी व्यू थोड़ा अजीब सा आता है इसलिए देखते हैं कैसा व्यू आता है। तो सावन भाई रेडी हो आप? तो वह श्री बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और इसी के साथ श्री बद्री विशाल के जय जयकार लगाते हुए हम अपने रास्ता मार्ग को प्रशस्त करेंगे। श्री बद्री विशाल भगवान की जय। साथ अभी हम घनसाली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बाइक की टंकी फुल करवा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं घनसाली पेट्रोल पंप। तो गाइस अभी के टाइम पे हमने यहाँ पे जो बैग था हमारा वो बहुत ज़्यादा सावन भाई को पैन कर रहा था जिसके वजह से हमने कुछ जो भी हमने कुछ इस प्रकार बांध दिया है आप देख सकते हैं और भाई कुछ इस प्रकार लग रही थी बहुत ज़्यादा पैन कर रहा था और एक ही बैग है हमारा एक साइड वाला बैग है तो कुछ इस प्रकार बांध दिया। सावन भाई को पूरी सीट जो है मिल जाएगी और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों सावन भाई अब बढ़िया तो हाँ तो अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। जय बद्री विशाल। इसी के साथ अभी मैं बाइक को ऊपर छोड़ के अभी मैं आया हूँ एक संगम में और इसी के साथ जो हमारा रुद्रप्रयाग में जो पहला संगम है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से। ये जो कि अलकनंदा है जो कि बद्रीनाथ से आ रही है और जो ये वाली नदी है ये आ रही है मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से आ रही है और ये आप रुद्रप्रयाग संगम देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला प्रयाग कम्प्लीट हो। तो गाइस अभी एक लोकेशन पे हमने हल्का सा रेस्ट लिया है। रेस्ट इसलिए लिया क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया और हमें भूख भी लगी ज़्यादा इसलिए नहीं रुक पा रहे हैं क्योंकि हमें बद्रीनाथ पहुंचना है। तो देखते हैं गाइस कितना टाइम पे हम पहुंच पाते हैं क्योंकि आज का हमारा स्टे शायद बद्रीनाथ ही होने वाला है तो हम जितने जल्दी पहुँचेंगे उतने हमारे लिए सही रहेगा। बेसिकली हम 8 या 9 बजे ही पहुँचेंगे देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी हम गोचर से आगे और कर्णप्रयाग के पीछे एक लोकेशन पर रुक रखे हैं जहाँ पर हम खाना खाने रुक रखे हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए। वैष्णव रसोई में आ रखे हैं जो कि यहाँ पे पहाड़ी खाना मिलता है और इसी के साथ हमारा खाना जो है वो लग चुका है और सावन भाई देखो टूट पड़े हैं खाने पे बहुत ज़्यादा भूख लगी क्या। और ये हमारा खाना तो अभी खाने को इंजॉय करते हैं इसके बाद मिलते हैं आपको। इसी के साथ इस प्यारी सी लोकेशन पर हमने खाना खाया और बहुत ही अच्छा यहाँ पे खाना मिलता है जो कि आप ये देख रहे हो। छुप करते हो सावन भाई खाना कैसा था? बहुत मस्त था अच्छा और बहुत ही जो पहाड़ी एकदम पहाड़ी खाना होता है पूरा सिंपल खाना वही था यहाँ पे और बहुत मज़ा आया खाना खा के और खाना हमने इंजॉय किया और इसी के बाद अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम काफ़ी लेट हो रहे हैं। सावन भाई अभी लगभग कितने किलोमीटर आगे जाने वाले हैं? 30 किलोमीटर तो क्या लगभग 110 या 130 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र है और रहने वाला है इसलिए हमें जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी जो है वो काफ़ी दूर है तो जल्दी अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं।
तो गाइस अभी आप देख रहे होंगे कर्ण प्रयाग से हम जस्ट कर्ण प्रयाग यहाँ से कुल 1 किलोमीटर है, आप देख रहे होंगे यहाँ से अल्मोड़ा 158 किलोमीटर और नैनीताल जो कि 223 किलोमीटर है, और इस साइड आप देख रहे होंगे इस साइड ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है बद्रीनाथ जो कि 126 किलोमीटर बद्रीनाथ है और 121 किलोमीटर हेमकुट साहिब और 122 किलोमीटर फूलों की घाटी का सफ़र हमारा जो है वो बद्रीनाथ का होने वाला है। तो गाइस ये है तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग में आप देख सकते हैं पिंडर नदी जो कि ऊंचे हिमनदी पिंडर से आ रही है, और इसी के साथ आप देख वो है अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आ रही है, और आप ये कर्ण प्रयाग देख सकते हैं। पिछले ब्लॉग में अभी आपने देखा और ठीक किसी लोकेशन में मैं खड़ा हो रहा था, और इसी के साथ हमारा तीसरा प्रयाग कम्प्लीट हुआ। गाइस ये हमारा अभी खाने खाने के बाद एक फर्स्ट रेस्ट है जो कि आप ये देख रहे होंगे, और तो गाइस ये है नंद प्रयाग जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने हल्का सा रेस्ट लिया है, और यहाँ पे फिर से मैं आपको दो नदियों का संगम दिखाने वाला हूँ और फिर से एक प्रयाग आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस इसी के सामने आप देख सकते हैं नंद प्रयाग जो कि अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ से आ रही है, और इसी के साथ जो दूसरी नदी है नंदाकिनी जो कि ऊंचे नंदा क्षेत्र से आती है, और ये और इसी के साथ आप बसोली और बदान जो पट्टी है वो भी इसी साइड है, बहुत खूब नंदा और बोलिया राजा जो देवता है वो यहीं से हमारी विलंग पट्टी में जो है काफी पर्चाधारी देवता है, और वो यहीं इसी घाटी से हमारे विलंग क्षेत्र में गए हैं। सब इसी के साथ हम चमोली पहुंच गए हैं, और यहाँ पे एक सुंदर सा वाटरफॉल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये आप वाटरफॉल देख सकते हो गाइस कितना सुंदर है। तो इसी के साथ आप पीपल कोटी मार्केट देख सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है, और अभी हम रुकते हैं इस वाले होटल में और यहाँ पे थोड़ा लस्सी लुस्सी पीते हैं क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। इसी के साथ अभी लस्सी इंजॉय की क्योंकि काफ़ी थकान जो है वो हो गई थी, और सफ़र में कंटिन्यू चलते चलते बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बैठ बैठ के, और अभी यहाँ पे थोड़ा पीपल कोटी में सामान भाई जी कुछ सामान ले रहे हैं, उसके बाद फिर से अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस इसी के साथ आप देख रहे होंगे हम जोशीमठ पहुँच चुके हैं जो कि कुछ इस प्रकार से बाइक पार करती है, इसी के साथ मैं आपको एक सुंदर सा वाटरफॉल दिखाने वाला हूँ जो कि कुछ इस प्रकार से। और ये हमारी KTM के साथ सभी लोग अभी फोटो शूट आउट कर रहे हैं। तो इसी के साथ अभी हम पहुंचे हैं पहले प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग में, और यहाँ पे है दो नदियों का संगम, एक है अलकनंदा एक है धौलीगंगा जो कि अपर हिमालय से आ रही है, इसी के साथ आपको मैं इनका भी संगम दिखाने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार है विष्णु प्रयाग, ये आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आ रही है। गाइस ये है धौलीगंगा जो कि इस साइड अपर हिमालय से आती है, ये आप विष्णु प्रयाग देख सकते हैं, और यही प्रथम प्रयाग है। इस लोकेशन पे हमें यहाँ पे पुलिस वालों ने रोक दिया है, और यहाँ पे सबका जो है यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये आप देख रहे होंगे सभी को यहाँ पे रोका जा रहा है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, और सबका आधार कार्ड और सबका इमरजेंसी नंबर भी ये ले रहे हैं, तो हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अपना इमरजेंसी नंबर भी दे दिया है, इसके बाद अपने सफ़र को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, अभी हमने रेनकोट डाल दिया, पूरा एलियन बन गया। अभी मैं आपको सावन भाई को दिखाता हूँ ये कैसे लग रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ आप देख सकते हैं सावन भाई जो कि बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, देखो गाइस बहुत भयंकर। और गाइस आप सामने इस साइड देख रहे होंगे बद्रीनाथ रोड पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, स्टार्ट में ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि GoPro की बैटरी भी लो हो गई है और बारिश भी आ गई है। अभी अपने सफ़र को सीधा कंटिन्यू करते हैं, आपको मिलेंगे सीधा बद्रीनाथ धाम की ओर। जैसे भी हम श्री बद्री पहुंच गए हैं, और यहाँ पे मैंने एक जगह पे बाइक जो है वो पार्क कर दी है,
तो गाइस आप यहाँ इस साइड नीचे देख रहे होंगे जो कि मंदिर का रास्ता है। तो गाइस आज का स्टे जो है हमारा वो एक आश्रम में होने वाला है जो कि यहाँ पे सावन जी हैं, इनके काफ़ी परिचित लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उन्हीं के यहाँ आज का जो हमारा स्टे होने वाला है। तो गाइस यहीं पे हम खाना खुना खाने वाले हैं, उसके बाद बद्रीनाथ धाम की ओर जाएंगे और उसके बाद जाएंगे आश्रम की ओर। तो गाइस हमारा भोजन लग चुका है यहाँ पे और ये हमारे सावन भाई जो कि बहुत गुस्सा कर रहे हैं। ये प्रदीप तुरकोटे भाई भोजन कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 5 दिनों से भूखा है। तो गाइस इसी के साथ हमारा अभी खाना जो है वो हो चुका है। खाने के बाद अभी मैं आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन करवाने वाला हूँ जो कि हमारे ठीक। स्टे है यहाँ आश्रम में हम पहुँच गए हैं और आज का स्टे हमारा यहीं होने वाला है। और दरअसल बद्रीनाथ के दर्शन इसलिए मैं आपको करवा नहीं पाया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भीग गए थे, तबीयत भी थोड़ा ख़राब ही लग रही थी जिसकी वजह से हम जल्दी बद्रीनाथ से ऊपर आ गए थे। तो इसी के साथ ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप गाइस आपको ब्लॉग काफ़ी पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।